अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सदव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल विद सदव। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। वेजिटेबल पुलाव तो मेरे फेवरेट हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो चले देखते हैं वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें चाहिए चावल 1 kg, इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है और भिगो दिया है। सब्ज़ियाँ हसबे ज़रूरत मिक्स सब्ज़ियाँ चाहिए, और चाहिए 1 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर, सब्ज मिर्चें 4 अदद, 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट, घी 1 cup, रेड चिली पाउडर चाहिए 1 tablespoon, नमक 1 tablespoon, ज़ीरा 1 teaspoon, धनिया पाउडर 1 teaspoon, हल्दी 1/2 teaspoon, ब्लैक पेपर 1/2 teaspoon, और हमें चाहिए पानी हसबे ज़रूरत, मतलब जितने चावल हो उतना ही पानी शामिल करें। घी में मैं सबसे पहले शामिल करूंगी प्याज, जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया था। जब ये थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर इनमें मैं बाकी मसाले शामिल करूंगी। तो इन्हें मैंने पहले गोल्डन करना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं कर लेने, बस हल्के से गोल्डन हो जाएं। तो जी, प्याज गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी ज़ीरा, ताकि ज़ीरे का भी जायका आ जाए, ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। अब अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसे थोड़ा सा मैं भून रही हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब शामिल करूंगी पानी, थोड़ा सा पानी इसलिए शामिल किया है क्योंकि प्याज जल ना जाए, इसलिए थोड़ा सा ही पानी शामिल किया है इसमें मैंने। और अब इसमें मैं शामिल करूंगी टमाटर। टमाटरों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं तो फिर इसमें मैं शामिल करूंगी बाकी मसाले, और फिर इसे मैं हल्की आंच पे पकने के लिए रखूंगी ताकि टमाटर गल जाएं अच्छे से। तो जी, अब मैं इसमें शामिल करूंगी लाल मिर्च। आप लाल मिर्च जितनी इस्तेमाल करते हैं उतनी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1 tablespoon नमक, आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए, धनिया पाउडर, और जी अब इसमें जाएगी हल्दी। तो जी, हल्दी डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर। देखिए जी, मेरा कैमरा हिल रहा है और मेरी देखची डांस कर रही है। तो जी, इसे अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ी सी इसकी भी भुनाई कर लेंगे। और अब इसे ढक देना है ताकि थोड़ी देर के लिए टमाटर गल जाएं इसमें, ढक्कन दे के जल्दी गल जाते हैं। तो जी, मसाला बन गया है और अब मैं इसमें शामिल करूंगी सब्जियां। अब मैं इसमें शामिल करूंगी सब्जियां और इन्हें करना है अच्छे से मिक्स, फिर उसके बाद इन्हें भी थोड़ी देर के लिए पकाना है। इसमें सब्जियों में पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, सब्जियां खुद ब खुद ही गल जाती हैं क्योंकि उनमें अपना पानी होता है। अब इस पे ढक्कन दे दूंगी ताकि सारी सब्जियां गल जाएं। तो जी, सब्जियां पक चुकी हैं और अच्छे से ये गल भी चुकी हैं। आप चेक कर लीजिएगा, जब सब्जियां गल जाएं तो फिर इनमें चावल शामिल कीजिएगा। अब इसमें पानी शामिल कर देना है, जितने चावल हों उतना ही पानी शामिल करें। और अब इसे मिक्स करूँगी और जब एक बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें चावल शामिल करूँगी। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी चावल और इसे हल्की आंच पे पकाऊंगी। चावलों को दरमियानी आंच पे पकाना चाहिए, तेज़ आंच पे नहीं पकाना चाहिए। अब चावलों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि अच्छे से सब्जी में चावल मिक्स हो जाएं। और जी, फिर इसको मैं अब ढक्कन देकर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूंगी ताकि थोड़े से चावल गल भी जाए और पानी खुश्क भी हो जाए। और सब्ज मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं। अब इसे फिर से ढक देना है। और जी, अब मैं चावलों को दम लगने के लिए रखूंगी, इसे मिक्स कर लूंगी अच्छे से और फिर इसे मैं दम लगने के लिए रख दूंगी। चावलों को ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए दम पर रखना चाहिए, पक जाते हैं इतनी देर में, ज़्यादा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लेते। और जी, यहाँ पे दम मेरा लग चुका है और बहुत ही मज़े के चावल बने हैं। अब मैं इन चावलों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद मैं इन्हें डिश में निकाल लूँगी। तो जी, अगर आप लोगों को मेरी सब्ज़ी वाले चावलों की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।